أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. यहाँ पर है आयत नंबर सूरह यूसुफ आयत नंबर 99. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा चलो अब शहर में चलो, यानी कि जब दरवाजे में दाखिल हुए तो उनको अंदर ले गए हैं, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहेंगे. शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब उसके लिए आगे बे इख्तियाराना सजदे में झुक गए. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था. मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया. उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिला दिया. हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था. यानी देखिए यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा था कि 10 जो 11 चांद 11 सितारे और चांद और सूरज क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं. अब ये वो जो सजदा था ये सजदा ताजीमी था, ताजियत वाला सजदा था जो इज्जत के लिए पहली उम्मतों में हुआ करता था और ये इस उम्मत में खत्म कर दिया गया. इसमें सिर्फ इबादत का सजदा हो सकता है, वो भी सिर्फ अल्लाह सुबहानहु तआला के लिए. इसके अलावा कोई सजदा किसी को जायज नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमा दिया कि मैं अहल नहीं हूँ. जब सहाबा किराम ने देखा कि लोग अपने सरदारों को सजदा करते हैं तो सहाबा किराम ने कहा कि हम ज्यादा अहल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि हमारी शरीयत में किसी कोई और सजदा नहीं है, कोई ताजीमी सजदा नहीं है, अल्लाह ये कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि कोई सजदा किया जाए हमारी शरीयत में तो वो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें, यानी उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए. लेकिन सजदा वो भी जायज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इबादत वाला सजदा बाकी रह गया है जो कि अल्लाह के लिए होता है और बाकी कोई सजदा इस शरीयत में तमाम सजदे रोक दिए गए. वाकया ये है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है, यानी इंसान को खबर भी नहीं होती और अल्लाह सुबहानहु तआला की तदबीरें इतनी खूबसूरत मतलब तरीके से सारा कुछ काम कर रही होती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ से चले थे और कहाँ लाकर उनको बादशाह बना दिया, फिर याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटा दी, उनके ख्वाबों की ताबीर पूरी हो गई, मतलब भाइयों को सबक मिल गया, उन्होंने अपने वालिदैन की मतलब वो जो इज्जत और वो की. फिर इस तरीके से अल्लाह सुबहानहु तआला की तदबीर जरूरी नहीं है कि एक दिन में पूरा हो जाए. हम चाहते हैं कि हर चीज का हल जो है एक दिन में निकल आए. यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने 40-50 साल की उम्र तक अपने वालिदैन से जुदा रहे, फिर अल्लाह सुबहानहु तआला ने इतनी खूबसूरत तदबीर की और कहा मिस्र का उनको बादशाह बना दिया. तो अल्लाह सुबहानहु तआला से बहते रहते हैं. वाकया ये है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है, बेशक वो अलीम और हकीम है. ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया. जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है. मेरा खातिमा इस्लाम पर कर और अंजाम कार मुझे सालेहीन के साथ मिला दे. यहाँ पर दुआ है आयत नंबर 101 में 101. रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की इस फातिर समावात दुनिया वल आखिरत वफनी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन. तो अल्लाह सुबहानहु तआला से कह रहे हैं कि हमें नेकोकारों में मिला दे, यानी कि मेरा जो हश्र हो कयामत के दिन उन लोगों के साथ हो जो तेरे सौले तरीन बंदे हैं. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हमने तुम पर वही किया है, वरना तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी. मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं. हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो, ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है. यानी अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमा दिया उन लोगों को बता दो जो तुमसे बड़े बड़े सवाल कर रहे थे और समझ रहे थे कि तुम नबी बरहक नहीं हो,
उनको इसके बारे में खबर दे दो कि मेरे रब ने मुझे वही करके सारा कुछ बता दिया जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, और किस तरह से वो मिस्र पहुंचे और किस तरीके से सारी तदबीरें हुई उसके बारे में भी मेरे रब ने मुझ पर उसकी वही कर दी। और आप तो इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते, लेकिन जिसको अल्लाह सुबहानहु ताला नसीहत देना चाहे, और जिस बेसिकली अल्लाह सुबहानहु ताला ये देखते हैं कि किसके अंदर खैर मौजूद है, तो अल्लाह सुबहानहु ताला नसीहत भी उसी को देते हैं, और वही शख्स नसीहत हासिल करता है जिसके अंदर अल्लाह सुबहानहु ताला किसी किस्म की खैर पाते हैं। नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है, जो इससे नसीहत हासिल करना चाहे वो कर ले। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जा नहीं करते। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि खुदा के आजाब की कोई बला उन्हें दबोच ना लेगी, या बेखबरी में कयामत की घड़ी अचानक उन पर ना आ जाएगी? देख रहा हूं, और तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरी मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। अल्लाह ने यहाँ पर फरमा दिया कि अल्लाह ने बहुत सारी निशानियां दुनिया में बना रखी हैं, और बहुत सी पहले उम्मतें भी गुजर चुकी जो दुनिया में तुम देखते रहते हो, लेकिन तुम सिर्फ देख कर गुजर जाते हो, उस पर कभी भी गौर व फिक्र नहीं करते, उसके ऊपर कभी भी कंटेम्पलेट नहीं करते कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने इनका मामला ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, क्या नाफरमानियां की थी जो इनको नेस्त व नाबूद कर दिया गया। लोग तफरी और सैर के लिए तो चले जाते हैं लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते, और अल्लाह सुबहानहु ताला ने ऐसी बहुत सी नसीहतें दुनिया में आम कर रखी हैं। इसके अलावा भी अल्लाह की बहुत सी आफाकी निशानियां दुनिया में फैली हुई हैं, अगर बंदा गौर व फिक्र करे और अल्लाह को पहचान ले तो उसकी मारिफत वो हासिल कर ले। मगर अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया कि लोग जब कोई ऐसी चीजें देखते हैं तो उसके अंदर किसी ना किसी को शरीक ठहरा देते हैं, किसी ना किसी बंदे, किसी ना किसी मखलूक को उसका अहल बना देते हैं, उसको सारा क्रेडिट दे देते हैं, और जो तुम्हारे रब ने किया उसकी तरफ गौर व फिक्र नहीं करते। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और उन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन कौमों का अंजाम नहीं नजर आया जो इनके उन्हें नजर नहीं आया कि जो इससे पहले गुजर चुकी है? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर तकवे की रविश इख्तियार कर ली। क्या अब मैं क्या अब भी तुम ना समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर ना दिया, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था, तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों पर से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जाता। अल्लाह सुबहानहु ताला ने इससे पहले कई किस्से बयान कर दिए, हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सौले अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम का, कि इससे पहले भी उन्होंने कई नसीहतें की, लोगों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन वो ईमान लाना नहीं चाहते थे, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने फिर उनको क्या कर दिया, गर्क कर दिया, किसी को अजाब में, किसी को डुबो दिया, किसी पर पथराव कर दिया, किसी को औंधा पलट दिया, और ये अल्लाह सुबहान व तआला का अजाब एक मरतबा आ जाता है तो फिर किसी से लौटाया नहीं जाता। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं है, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की तस्दीक है, और तो यानी तौरात और इंजील को कंफर्म करती है, और हर चीज की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अल्लाह ने इस किताब को हिदायत का जरिया बना दिया और रहमत का जरिया बना दिया। इससे पहले हमने पढ़ा कि इस कुरान को जब तिलावत किया जाए तो उसको गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ने इसको लोगों की हिदायत का जरिया बनाया है और लोगों के ऊपर रहम, बंदा हर लम्हा अल्लाह के रहम का मोहताज है।
तो बंदा अगर चाहता है कि उस पर रहम किया जाए तो वो कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, कुरान से नसीहतें हासिल करे और उसके ऊपर गौर व फिक्र और तदब्बुर करे, ताकि अल्लाह सुबहाना तआला की जात को पहचाने, और जब वो जात को पहचान लेगा तो अल्लाह सुबहाना तआला के जो कमांडमेंट्स है, जो अहकाम है, उसको पूरा करने में जुट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो रुकुआत थी उसकी तकसीम वो देख लेते हैं। अब हमने देखा कि जो सूरह यूसुफ है पूरे 12 रुकुआत पर मुश्तमिल है। पहले रुकू में जो बात की गई है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, जो 11 सितारों और उसका ख्वाब देखा था। दूसरे रुकू में हमने देखा कि उनके भाइयों ने उनके खिलाफ चालें चली और अपनी चालों में कामयाब हो गए। फिर देखा कि तीसरे तीसरे रुकू में जो उनकी मिनिस्टर की जो वाइफ थी, अजीज मिस्र की जो बीवी थी, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर मतलब उनको माइल करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो मिस्र की औरतें थी, चौथे रुकू में मिस्र की औरतों ने उनको सिड्यूस करने की कोशिश की। पांचवें रुकू में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान में डाल दिया गया, वो कैद कर दिए गए। छठे रुकू में बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो जो 7 गाय वाला ख्वाब था वो बादशाह ने देखा। फिर आठवें रुकू में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे जिंदान से निकाल लिए गए। नवे रुकू में देखा कि जो औरतें थी, जो मिस्र की औरतें थी, उन्होंने अपना कन्फेशन किया कि मतलब हम जो थे गुनाहगार थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकीजा हैं, पाक हैं। फिर उसके बाद 10वें रुकू में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अजीज मिस्र है उनकी उसकी बीवी ने एतराफ़े जुर्म किया कि मैंने गुनाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम मुबर्रा हैं इससे। 11वें रुकू में जो उनके भाई हैं उनको अपना सबक मिला, उनको समझ आया कि उन्होंने वो गलती पर थे और उन्होंने जुर्म किया था, गुनाह किया था। फिर उन्होंने अपनी मतलब तौबा की और उनको सबक मिला। फिर उसके बाद आखिरी रुकू में 12वें रुकू में यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब था कि जो लोग थे उनको सजदा कर रहे थे, चांद सूरज और सितारे, वो पूरा हो गया। अब देखिए ये जो तरतीब यहाँ पर रख दी गई है, तो इस तरतीब के अंदर एक कोऑर्डिनेशन है। ये ऐसे नहीं है कोई भी किसी भी चीज में ऐसा बिखरा हुआ है, बल्कि देखें पहला रुकू जो है बिल्कुल मुनासिबत रखता है 12वें रुकू से। पहला जो है 12वें से रखता है, तीसरा रुकू जो है फिर 11वें रुकू से रखता है। पहला रुकू में हमने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, 12वें रुकू में देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है वो पूरा हो गया और लोग उनको सजदा कर रहे थे, कौन थे चांद सूरज और सितारे, वो उसकी ताबीर मिल गई। दूसरे रुकू में देखा था हमने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके खिलाफ चाले चली। 11वें रुकू में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उसका सबक मिला जो उन्होंने चाले चली थी। तीसरे रुकू में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की को वो जो अजीज मिस्र की बीवी है उसने रिझाने की कोशिश की। 13वें रुकू में वो जो अजीज मिस्र की बीवी है उसने कन्फेशन किया, उसने अपने गुनाह का एतराफ किया। चौथे रुकू में जो मिस्र की औरतें थी उन्होंने क्या किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को माइल करने की कोशिश की थी। 9वें रुकू में उन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। फिर 5वें रुकू में जेल में डाल दिया गया। 8वें रुकू में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है उनको जेल से रिहाई दे दी गई। छठे रुकू में बादशाह ने ख्वाब देखा, ये 7 गाय वाला ख्वाब देखा। 7वें रुकू में उस ख्वाब की ताबीर पूरी कर दी गई, यानी उसको बता दिया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ड्रीम को, मतलब वो पूरी तरह से उसकी तावील कर दी। तो देखिए यहाँ पर पहला रुकू जो है वो लास्ट रुकू से, सेकेंड रुकू सेकेंड लास्ट रुकू से, थर्ड थर्ड लास्ट रुकू से, फोर्थ और फोर्थ लास्ट रुकू से मुनासिबत रखता है, फिफ्थ फिफ्थ लास्ट रुकू से, और मिडल वाला जो है मिडल वाले रुकू से मुनासिबत रखता है। तो ये लिंग्विस्टिकल मौजिजा है इस कुरान का, अल्लाह सुबहानहु तआला ने इसको इस तरतीब से यहाँ पर नाजिल कर दिया। ये एक छोटी सी बात यहाँ पर बतानी थी। अब इंशाल्लाह हम सूरह राद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुर राद, राद का मतलब होता है थंडर, जो बिजली का कड़का होता है, गरज होती है, उसको रात कहा जाता है। अब ये जो सूरह रात है, और अब 3 सूरह का और यहाँ पर आ रहा है, जोड़ी आ रही है, ये अब पहले 3 गुजर चुकी, अब ये 3 जोड़ी आ रही है, रात है, फिर इब्राहिम है, और फिर उसके बाद होगी सूरह हिज्र। ये 3 मक्की सूरह का जोड़ा है। सूरह रात जो है इसके अंदर ये आखिरी जमाने का मजमून है, जब मक्का मक्का के आखिरी दौर का है ये सूरह, जो इसका नुजूल है।
इस सूरे में, ये सूरे भी इसी दौर की है, ये बिल्कुल फौरन इसी के दौर इसके बाद ही नाजिल हुई है। सूरे यूसुफ के बाद इसी दौर की सूरे है। सूरे जिस दौर में सूरे यूनुस और हूद जो नाजिल हुई थी और आराफ, उसी दौर में ये सूरे भी नाजिल हुई, यानी जमाना कयाम मक्का के आखिर में, आखिर में आखिरी मक्की दौर का जो आखिरी वो है साल, उसके अंदर ये सूरे नाजिल हुई है। अंदाजे बयान से साफ जाहिर होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हुए बहुत बड़ी मुद्दत गुजर चुकी थी, काफी वक्त गुजर चुका था। मुखालिफीन जो थे वो अपने मिशन में क्या हो रहे थे, अपनी चालों में पुख्ता हो गए थे, और मोमिनीन बार बार तमन्नाएं कर रहे थे कि किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तो मोजजा दिखा दें ताकि इनके मुंह बंद हो जाएं। ये बार बार जो मोजजे का सवाल करते हैं, मोमिनीन भी चाह रहे थे कि मोजजा दिखाकर इनके बातों को मतलब इनको हकानियत के बारे में बता दिया जाए। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हान, अब ये रद्दो कदा चल रही है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने मना फरमा दिया कि यहाँ से हमारा कोई ये राइज नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है कि दुश्मनान को क्या किया जाए मौजूदों के जरिए से इसके ऊपर, गैब के ऊपर वो लाने के लिए आमादा किया जाए ईमान लाने के लिए। ये तो गैब है, जो बगैर देखे ईमान लाए असल ईमान वाला वही है। मौजूदे देखकर तो कोई भी ईमान लेकर आ सकता है, लेकिन हम मौजूदे इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये इतने पुख्ता लोग हैं, ये इनके दिल इतने टेढ़े हैं कि मौजूदा देखने के बाद कह देंगे ये सरी जादू है, और जादूगर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कह देंगे और मौजूदे को कह देंगे ये जादू है। यहाँ तक कि जो आयत है कि अगर कब्रों से मुर्दे भी आप उठा देंगे, यहाँ बीच में दरमियान में ये आयत आ जाएगी, तो उससे अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस बात को जाहिर कर दिया कि ये कब्रों को कब्रों से मुर्दे उठते हुए देख लेंगे तब भी ये कोई ना कोई गुमान इस पर गढ़ देंगे और आपकी बातों पर ये ईमान नहीं लाने वाले। तो ये जो सूरह है सूरह रात, इसमें अत्तस्कीर बिल आला इल्ला अल्लाह सुबहान व तआला की जो नेमतें हैं उसका जिक्र किया गया है और फरमा दिया गया कि कोई मौजूदे की जरूरत नहीं है। अगर गौर व फिक्र करना है इस आफाक में, इस कायनात में गौर करें और ये जो कुरान करीम है बस इसी में गौर व फिक्र कर लें तो ये इनकी हिदायत के लिए काफी हो जाएगा। सूरतुर रात मक्की सूरह है, अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम रौ, अब ये जो लगातार 6 सूरे आ रही थी उसमें अलिफ लाम रौ आ रहा था, सिर्फ इस सूरे में जो है अलिफ लाम मीम रौ से शुरू हुआ है और ये भी हुरूफ मुकत्तआत हैं, इसमें भी इसके जो मानी है ये मुतशाबे हैं, अल्लाह सुबहान तआला और उसके रसूल इसके मानी जानते हैं, मतलब हमने इसके पीछे नहीं पढ़ना। ये किताब इलाही की आयात हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। आयत नंबर 2 सूरे राज, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया है जो तुमको नजर आते हैं, यानी कि अल्लाह सुबहान तआला ने बगैर किसी सुतून बगैर किसी पिलर के इतने बड़े आसमान को इंसान की हद नजर से भी पार वो आसमान चला जाता, मतलब लगातार कंटिन्यूस चला जा रहा है और बगैर किसी सहारे के अल्लाह सुबहान तआला ने इतने बड़े आसमान को खड़ा कर दिया। हमसे कहा जाए तो हम एक सुई को खड़ा नहीं कर सकते और अल्लाह सुबहान तआला ने इतना वसी और अरीज आसमान बगैर किसी सहारे के खड़ा कर दिया, तो क्या ये इन चीजों में गौर व फिक्र नहीं करते? फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ और इसने आफ्ताब और महताब यानी चांद और सूरज को एक कानून का पाबंद कर दिया। इस सारे निजाम की हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो, यानी कि जो बंदे अल्लाह से मिलने की तवक्कुर रखते हैं और उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह सुबहान व तआला उनके लिए इन तमाम निशानियों से भी राहे हिदायत खोल देता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जरा गौर करो चांद सूरज की तखलीक में, इन आसमानों की तखलीक में गौर करो, तुम्हें ये मोजज़े नहीं दिखाई दे रहे कि तुम्हारे सर पर अगर अल्लाह सुबहान व तआला आसमान गिराना चाहे तो गिरा दे, लेकिन वो बगैर किसी सुतून के तुम्हारे सरों पर खड़ा है। अगर तुम मोजज़ा चाहते हो तो ये देखो, यानी अल्लाह की आफाकी निशानियों में गौर व फिक्र करो। तो देखिए यहाँ पर सारे अल्लाह की आला के बारे में, अल्लाह की नेमतों के, उसके फेवर्स जो उसकी सारे अल्लाह सुबहान तआला ने अपनी नेमतें और फजल लोगों पर किए हैं उनका ही जिक्र सूरे में आएगा। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं
और दरिया बहा दिए हैं उसी, यानी कि जमीन जो थी अल्लाह सुबहान तआला ने बनाई, तो फिर वो बहुत सख्त तेजी से हिलने लगी, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उसके ऊपर पहाड़ों को पैग बनाकर और मतलब मीखे बनाकर गाड़ दिया कि ये जमीन हिलने ना पाए, जिसकी वजह से आज जो हम जमीन पर आसानी चल सकते हैं, जमीन हिलती नहीं है, तो वो इसी की बदौलत है कि अल्लाह ने उनके ऊपर मजबूत वो पहाड़ जो है वो बनाकर रख दिए कि ये जमीन हिलने ना पाए। जरा सा जलजला आता है तो इंसान को पता चलता है कि अगर जरा सी जमीन हिलेगी तो क्या मामला होगा। वो वही चीज हम आखिरी सूरतों में पढ़ेंगे कि अल्लाह पूरी की पूरी जमीन को हिला देंगे, तब हमारा क्या बनेगा। तो ये तमाम चीजें गौर व फिक्र करने वाली है। उसी ने हर चीज के फलों के जोड़े पैदा किए और वही दिन पर रात तारी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखो जमीन में इन सारी चीजों में बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इससे पहले कहा जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखते हैं वो भी इन निशानियों में गौर व फिक्र करते हैं। अब यहाँ पर कहा जो तफक्कुर और तदब्बुर करते हैं उनके लिए भी इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं, आयत नंबर 4। और देखो जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़े हैं, अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अकेहरे हैं और कुछ दोहरे, सबको एक ही पानी से सैराब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि देखो कि अल्लाह ने खित्ते बना दिए एक से एक लगे हुए, यानी कि एक ही सरजमीन पर अल्लाह सुबहान तआला ने थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग किस्म के बागात उगा दिए, अंगूर है कहीं, खजूर है कहीं, कुछ है कहीं कुछ है, और सारों के जायके अलग हैं, हालांकि एक ही पानी उनके ऊपर पड़ता है, सब पर बारिश का पानी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुबहान तआला मुख्तलिफ पानियों से इनकी वो कर रहा है नशोनुमा, सब पर एक ही पानी पड़ता है। और इतने मुख्तलिफ जायके, इतने मुख्तलिफ शेप्स, इतने मुख्तलिफ कलर, और ये सारी चीजें क्या हैं, अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। लिकौमी याकिलून, लिकौमी यतफक्करून। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं यानी कि ये अकड़ कर चलते हैं, ये अल्लाह सुबहान व तआला के सामने अपने सरों को झुकाना नहीं चाहते, ये आजजी नहीं करना चाहते, ये तकब्बुर कर रहे हैं। अल्लाह सुबहान व तआला कयामत के दिन इनके गलों में असल वाले तौक डाल देगा, असल जंजीरें पिना दी जाएंगी इनके गलों में, और ये सजदा करना भी चाहेंगे उस दिन तो ना कर सकेंगे, और अल्लाह सुबहान व तआला इन सबको जहन्नम में झोंक देगा। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के आजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। यानी जल्दी मचा रहे हैं, बुराई की जल्दी मचा रहे हैं, यानी कि ये चाह रहे थे कि हम पर आजाब क्या दे दिया जाए, पहले दे दिया जाए। अब मतलब इतने साल हो गए ना सुनते हुए, ये आखिरी जमाने की 10-12 साल हो गए ये बात सुनते हुए कयामत की बात, तो अब क्या किया जाए, अब हम पर कयामत आ ही जाए तो बेहतर है, ताकि हमको इस हक का पता चल जाए जो आप बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा कि कोई इंसान तो भलाइयां मांगता है अपनी दुआओं में और ये बुराइयों के लिए जल्दियां मचा रहे हैं, तो देखो कितने मतलब ये सख्त लोग हैं। तो ये जरा गौर करें कि इससे पहले भी जो इनके अतराफ की बस्तियां हैं, जो आद और समूद जो ये इनके ही चारों तरफ रहा करते थे, उनका अल्लाह सुबहान व तआला ने क्या हाल किया, ये उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। तेरा रब ज्यादतियों के बावजूद क्या करता है, चश्मपोशी करता है, यानी बंदे को मोहलतें देता है। तुम्हारा रब क्या है,
अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर अपनी जो सिफत बयान की है कि अल्लाह सुबहान तआला बड़ा तहम्मुल वाला है, वो देखता रहता है बंदे गुनाहों में पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो क्या करता है अपनी बुर्दबारी से उसे मौका देता रहता है, मोहलत देता रहता है, तो जो खैर पर होता है वो पलट आता है और जो शर में होता है वो अपनी जो मतलब नाफरमानियां है उसमें मजीद बढ़ जाता है, तो अल्लाह सुबहान तआला फिर उसकी सख्त पकड़ फरमा लेता है। इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, तुम्हारा रब बड़ा ही सख्त पकड़ने वाला है। अल्लाह तो पकड़ने में भी सख्त है लेकिन वो पकड़ में जल्दी क्यों नहीं मचाता, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ने मुद्दत मुकर्रर कर रखी है, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला खैर देने में जल्दी करता है और तुम्हारी पकड़ में तुम्हें मोहलत देता है ताकि शायद तुम पलट आओ या अपनी बातों पर गौर व फिक्र करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। ये लोग भलाई से पहले, ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतार दी गई, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। इससे पहले भी गुजर चुका, हर कौम के लिए एक रसूल भेजा जाता है और हर कौम के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती है, तो जब तक वो मुद्दत रहेगी तब तक उनको जिंदा रहना ही होगा, उससे पहले ना अल्लाह अजाब देगा ना उससे पहले उनको मौत आएगी। और हर किसी के पास एक खबरदार करने वाला जरूर आता है, उसको बताने वाला, खैर ख्वाही करने वाला आता है, अगर वो उससे फायदा उठा ले तो वो राह रास्त पा लेता है, अगर वो उसके बताए हुए रास्ते पर ना चले तो वो गुमराह हो जाता है। अल्लाह एक एक हामिला के पे अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है उसे भी वो जानता है और जो कुछ इसमें कमी या बेशी रहती है उससे भी वो बाखबर है। मतलब एक औरत के पेट में क्या जना जा रहा है और क्या कैसे तखलीक हो रही है उसकी खबर सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला को है। हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है, हर चीज का, देखिए हर हामिला का अल्लाह सुबहान तआला ने जेस्टेशन पीरियड मुकर्रर कर दिया है। औरतें जो है इंसान में जो है 9 मंथ का है, किसी में 2 मंथ का होता है, किसी में 21 डेज का होता है, किसी में सबसे ज्यादा जो जेस्टेशन है वो हाथी में होता है ना, 2 साल तक वो जो उठनी वो जो हाथी होती है वो शी जो वो होती है फील, तो वो 2 साल तक हामला रहती है। तो अल्लाह सुबहान तआला ने हर किसी की मिकदार म्याद जो है मुकर्रर कर दिया है और हर किसी उसका भी टाइम मुकर्रर कर दिया है कि इतने महीने में क्या बनेगा, उतने वक्त में क्या बनेगा, उतने वक्त में क्या बनेगा। तो इसीलिए देखें कि जब वो जो चीजें होती है, जो बच्चे प्री एज में वो डिलीवर हो जाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला ने हर किसी का वक्त और जो चीजें हैं वो मुकर्रर कर दी हैं, उसका वक्त और अंदाजा मुकर्रर कर दिया है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का इल्म रखने वाला है और यहाँ तक के जब बच्चा 120 दिन का हो जाता है अपनी माँ के हमल में तो उसकी तकदीर भी एक फरिश्ता आता है और लिख जाता है, उसका शकी और सही होना भी लिख जाता है कि वो नेक होगा बद होगा, वो कहाँ जाएगा, जहन्नम में जाएगा जन्नत में जाएगा, वो भी उसके हक में लिख दिया जाता है उसके अमाल के मुताबिक कि वो क्या अमल करेगा। हर चीज का जानने वाला अल्लाह है, वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा हैं। यानी अल्लाह सुबहान तआला गहरे से गहरे अंधेरे में भी वैसा ही देखता है जैसे उजालों में देखता है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब ये उन दो फरिश्तों की बात हो रही है जो कि अल्लाह सुबहान तआला ने हर बंदे के लिए मुकर्रर किया है। हर बंदे के पास 4 फरिश्ते होते हैं, 2 फरिश्ते वो जो उसके नामाए आमाल लिख रहे होते हैं, एक नेकी का आमाल लिखता है और एक बदी का आमाल लिखता है, और 2 फरिश्ते एक्स्ट्रा दिए जाते हैं हर इंसान को, यानी एक आगे होता है एक उसके पीछे होता है जो उसकी हिफाजत का काम करते होते हैं। यानी कि अगर उसको कांटा भी चुभने वाला होता है और उसकी तकदीर में वो कांटा चुभना नहीं लिखा होता है तो वो फरिश्ते आके उस कांटे की जो तकलीफ है या कोई जो उसकी वो हो रही है उससे भी उसको दूर कर देते हैं। तो वो फरिश्ते क्या कर रहे थे, इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए हैं हत्ता ये कि उसकी मौत का वक्त आ जाए। जब मौत का वक्त आता है तो ये 2 फरिश्ते उसकी रूह को उन फरिश्तों के सुपुर्द उनको हैंड ओवर कर देते हैं कि ये रही तुम्हारी बॉडी, अब ये हमारा जो काम है वो हमारा जिम्मी खत्म हो गया, हमारा काम इसकी हिफाजत करना इसकी मौत तक था, अब ये तुम्हारी मिल्कियत है तुम इसे ले जाओ। तो वो जो फरिश्ते होते हैं मौत के फरिश्ते आते हैं और फिर इनकी मिल्कियत से निकाल कर उन्हें ले जाते हैं। तो वो जो 2 फरिश्ते थे नामा अमाल के वो चले जाते हैं साथ में, और ये जो 2 फरिश्ते हैं ये
पीछे रह जाते हैं क्योंकि अब इनका काम खत्म हो गया, हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मौत तक होती है। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर बयान किया कि हर इंसान के पर्सनल चार फरिश्ते होते हैं हर इंसान के पास, तो दो लिखते हैं उसके नाम आया हमारे और दो उसकी हिफाजत करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल लेती। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम पिछड़ रहे हो, किसी तरह से तुम्हें रुसवाई चखनी पड़ रही है, तो वो तुम्हारी की धरी है। अल्लाह सुबहान व तआला किसी भी कौम की हालत को तब तक नहीं बदल लेगा जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को बदलना ना चाहे। उसका इनिशिएटिव उसको उस कौम को खुद इज्तिमाई तौर पर लेना पड़ेगा। अब जब पूरे मुसलमान सारी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने इज्तिमाई तौर पर अल्लाह सुबहान व तआला की नाफरमानियां शुरू कर दी हैं और इस कुरान के अहकाम को हमने पसे पुश्त डाल दिया है, इसीलिए सारी दुनिया में हम रुसवा हो रहे हैं। वो क्या थे? मौजिज थे साहिबे कुरान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया तो हम ख्वार हो रहे हैं। वो जो मौजिज थे हालांकि कम तादाद में थे लेकिन हर जगह जहां जाते थे उनका रौब उनका सिक्का चला करता था। जब उमर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फतेह करने के लिए निकले हैं शहरों को तो कोई इतना बड़ा उनका प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ दो दो लोग जाया करते थे और पूरे पूरे शहर फतेह हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो अहले कुरान थे, वो साहिब कुरान थे, उन्होंने कुरान की तालीमात पर अमल किया जैसा कि उनका उस पर अमल करने का उन्होंने अपनी इस्तेदात के मुताबिक उस पर अमल किया। तो वो लोगों में क्या थे? रौब रखा था अल्लाह सुबहान व तआला ने उनका। अब हमारा रौब सारी दुनिया से छीन लिया गया क्योंकि हम जो थे हमने तारे के कुरान हो गए, हमने इस कुरान को छोड़ दिया। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि जब तक तुम खुद ना बदलना चाहोगे अल्लाह भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। जब तुम खुद बदलने पर आमादा हो जाओगे तो अल्लाह की मदद भी तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद भी तुम्हारे लिए आ जाएगी। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को ना बदल ले। आयत नंबर 11। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी को टाले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है जो कौम अपने तई क्या करना चाहे, खुद नुकसान उठाना चाहे, जो खुद जुल्म सहना चाहे, तो फिर अल्लाह सुबहान तआला भी उसको ऐसे ही छोड़ देता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी लाहक होती हैं। यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं जो किसान होते हैं तो वो तो इससे उम्मीदें पा लेते हैं कि अब बारिश होगी और हमारी फसलें क्या होंगी, भरपूर फल आएंगे इसके ऊपर। लेकिन जो लोग रास्तों में होते हैं सफर में होते हैं तो फिर उनको खदशा होता है कि अब हमारा क्या बनेगा, हम कैसे मतलब इसको सफर को तय करेंगे अगर बारिश हो जाएगी। तो अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया इसी बिजलियों से तुम्हें अंदेशे भी होने शुरू हो जाते हैं, इसी से तुम्हें उम्मीदें भी मिलती है। वही तो है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते उसकी हैबत से लरसते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। यानी अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया वो बादल जो तुम्हें ऐसे ही भागते हुए नजर दिखाई आते हैं दिखाई देते हैं, कहीं पर अगर तुमने देखा होगा क्लाउड बस्ट अगर हम सुनते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो बादल होता है फटकर पूरी यहाँ पर तबाही मचा देता है और वो देखने में कैसा लग रहा होता है कि जैसे कोई हल्का फुल्का सा रुई का गाला उड़ रहा है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि अगर वो फट जाए तो फिर वो अचानक से अगर फट जाए तो तबाही मचा दे। तो अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि उसके अंदर भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं। और जब बादल गरजते हैं यानी कि जब बहुत जोर से बिजलियां कड़कती हैं तो फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीहां करने लगते हैं कि कहीं अल्लाह गजबनाक तो नहीं हो गया, कहीं अल्लाह का कोई अताब कोई अजाब तो नहीं आने वाला। और हम क्या होते हैं उसको देखकर और एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में लग जाते हैं जब अल्लाह सुबहान व तआला बादलों को गर जाते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो। फिल वाक़े उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। फरिश्ते क्यों डरते हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई आजाब जो थे बिजलियों के जरिए से नाजिल कर दिए गए, लोगों पर बिजलियां गिरा दी गई, उनके ऊपर बादल गिरा दिए गए और इस तरीके से वो तबाह कर दिए गए। तो ये फरिश्ते भी लरसते हैं उन बातों से कि जब वो आसमान में ये बिजलियां गरजना शुरू होती हैं और कड़क से वो फिर अल्लाह की तस्बीहात में मशगूल हो जाते हैं।
उसी को पुकारना बरहक है। रहे वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनके दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह में आ जा। सुभान अल्लाह ने कितनी प्यारी मिसाल दी कि अगर कोई इंसान पानी पीना चाहता है तो उसको उसकी तरफ जाना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, पानी के घूंट को मुंह में डालना पड़ेगा, जब जाके वो उसके मुंह तक पहुंचेगा। और कोई इंसान कहे दूर खड़े होकर के ऐ कुएं के पानी मेरे मुंह में दाखिल हो जा, तो ये तो कतई नामुमकिन है। तो बिल्कुल ऐसे ही इनकी बुतों का मामला है कि जो लोग सुन ही नहीं सकते ये उनको सुनाना चाहते हैं, उनसे निदाएं और उनसे दुआएं करते हैं, हालांकि पानी इस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक तीर बेहदफ, यानी कि जो ऐसा तीर मारा गया जिसके जिसका कोई निशाना ही नहीं है, यानी कि तुम तीर तो मारते जा रहे हो और जो जिस जगह पर लगना चाहिए वो लग ही नहीं रहा, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को पुकारते हो जिनके कान ही नहीं है और जो खुद कुछ समझने और सुनने और मतलब देखने से कासिर है, जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तौअन और करहन सजदा कर रही है और सब चीजों के साए सुबह और शाम उसके आगे झुकते हैं। यानी कोई बंदा चाहे ना चाहे, कोई काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, यहूदी हो जाए, कुछ भी बन जाए, अल्लाह को हम सजदा ना भी करना चाहें तो हमारे जो साए हैं अल्लाह सुबहान तआला को सजदे करते हैं। हर कोई खुशी से या ना खुशी से अल्लाह सुबहान तआला की फरमा बरदारी में लगा हुआ है, यानी हमारे जो जिस्म के आजा हैं, आजाए बदनियां, ये हमारा दिल और ये जो हमारी नफ्स है, हमारी जो रूह है, ये हमारे इख्तियार में है, बाकी सारे आजा जो हैं अल्लाह ही के इख्तियार में है। जब रात आती है तो बंदा कितना भी कोशिश कर ले, मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसको सोना लाजमी हो जाता है। आंखों का झपकना, ये सांस का आना जाना, ये सब अल्लाह की मशीयत से हो रहा है। दिल का धड़कना और ये सब कुछ कैसे चल रहा है, इंहजाम का चलना अल्लाह ही की मशीयत से चल रहा है। अगर बंदे के इख्तियार में होता तो वो क्या का क्या बना लेता अपने आप को, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि खुशी से और ना खुशी से सब के सब हमारे फरमा बरदार है, तुम हमें सजदा करो ना करो, तुम्हारे साए तो दिन रात हमें क्या करते हैं, सजदे करते हैं। इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर उनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे लोगों को माबूद और कारसाज बना रखा है जो खुद अपने लिए भी किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है, यानी कि जो हक को देखने वाला और हक को ना देखने वाला कभी बराबर हो सकते हैं, कतई नहीं। क्या रोशनी और तारीकियां यकसा हो सकती है, यानी हक और बातिल यानी हिदायत और गुमराही बराबर हो सकती है। रोशनी जो है उसको अल्लाह सुबहानहु ताला ने हिदायत से तजवी दी है और तारीकियां, अब ये भी बात नोट कर लें, अल्लाह सुबहानहु ताला ने जब भी नूर का नाम लिया है वो सिंगुलर लिया है, अनवार नहीं कहा, नूर कहा, और जब जुल्मत कहा है तो जुल्मत नहीं कहा, जुलुमात कहा, अंधेरे तारीकियां, एक सिंगल तारीकी या अंधेरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि गुमराही के रास्ते बहुत सारे हैं, जुल्मतों की तरफ ले जाने वाले रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हिदायत का रास्ता महज एक है, इसीलिए अल्लाह सुबहानहु ताला ने नूर को सिंगुलर रखा है और जो वो है उसको प्लूरल रखा हुआ है, जुल्मात को। और अगर ऐसा नहीं तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से उन पर तकलीफ का मामला मुश्तबा हो गया है? कहो हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है, सब पर गालिब। यानी अगर उन्होंने कोई तकलीफ की होती तब तो तुम अगर कुछ ऐसा अल्लाह सुबहान तआला की जात पर कोई चीज गढ़ रहे होते तो कुछ ना कुछ समझा जाता, लेकिन ना उन्होंने कुछ पैदा किया ना किसी किस्म की तकलीक की और तुम फिर भी उसके बारे में शुबे में पड़े हुए, तो यानी तुम अल्लाह के ऊपर सरी बोहतान गढ़ रहे हो, इफ्तरा परदादिया कर रहे हो। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाले अपने जर्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला, फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए और ऐसे ही झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। अब देखिए अल्लाह सुबहान तआला यहाँ पर एक और मिसाल दे रहे हैं झाग की, जब वो मेटेलिक वो होता है ना, जब उसको फर्नेस वगैरह में डाला जाता है तो वो जो मेटल अलग हो रहा होता है तो मेटल नीचे बैठता जाता है और ऊपर झाग 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 आता जाता है, तो वो सारा जो फेस होता है उसको अलग करके फेंक दिया जाता है और जो मेटल होता है उसको किसी उसमें कलेक्ट कर लिया जाता है किसी भी चीज में, कंटेनर में।
अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही कुछ लोग हैं कि इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाज़े करता है, जो झाग है वो उड़ जाता है और जो चीजें इंसानों के लिए नाफे हैं वो जमीन में ठहर जाती हैं। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात को समझाता है, यानी जो बात हक की है वो हमेशा क्या होती है, पायदार होती है, कितना भी उस पर बातिल का झाग चढ़ा लें कहीं ना कहीं जाकर वो बातिल मिट जाता है, वो झाग बह जाते हैं, और जो हक और चीज